जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हैप्पी संडे। और 17 सितंबर 2023, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। और मेरे भी छोटे भाई का जन्मदिन है, अपने छोटे भाई का। तो 17 तारीख, और आज पूरे देश भर में विश्वकर्मा पूजा भी है। हर साल 17 सितंबर को ही होती है, मुझे याद रहता है, क्योंकि इट इज़ द बर्थडे ऑफ माय यंगर ब्रदर एज वेल एज, अब तो मोदी जी का भी नाम मैं लेने लग गया। ठीक है, तो विश्वकर्मा पूजा में हम, जैसे मैं भी लैपटॉप से जुड़ा हूँ, तो वहाँ लोहा यूज़ होता है, या फैक्ट्रीज़ वाले तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूजा करते हैं, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो सातों स्टेट है, या फिर बंगाल, उड़ीसा, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ तो बहुत, जब छुट्टी भी रहती है, अगर वीकडे होता है तो पूजा होती है। वहाँ जो लोकल सिटी बस भी चलती है, उनकी भी पूजा होती है पूरी। आज के दिन विश्वकर्मा पूजा, ये हर साल 17 सितंबर को ही होता है। तो उसकी सबको हार्दिक, आप भी अपने घर में लैपटॉप या जो भी लोहे का इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो, थोड़ा सा उसमें तिलक उलक लगा के कर सकते हो, या फिर हाथ जोड़ लेना विश्व, क्योंकि कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज का दिन विश्वकर्मा, तो मोदी जी ऐसे देखा जाए तो विश्वकर्मा पूजा के दिन पैदा हुए। तो कर्म प्रधान तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इसीलिए इस एज में भी इतना एक्टिव रहते हैं। आज ही के दिन मेरा एक अच्छे फ्रेंड वीके सिंह का भी बर्थडे है दिल्ली से, और मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, और मेरा 17 अक्टूबर को है, और मेरे बेटे का 17 अप्रैल है। तो 17 का जो आंकड़ा है, इट्स टोटल इज 8, एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय सैटर्न, सनी से गवर्न्ड होता है। तो सैटर्न, जिसका सैटर्न लकी नंबर जिसका भी 8 रहेगा, वो दोज आर गवर्न्ड बाय सैटर्न। और जो लोग सैटर्न से गवर्न्ड होते हैं, उनकी लेटर हाफ ऑफ लाइफ हमेशा बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 42, वो बहुत अच्छी लाइफ लीड करते हैं। दोज हुआर गो, वो पहले के जो 42 साल है लाइफ के, वहाँ उनको बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ता है लाइफ में, और उनको लाइफ बहुत सारे लेसन सिखा देती है उस समय। तो आप देखिए, मोदी जी के भी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ इतना बढ़िया नहीं गया, 40 साल या 42 साल या 45 साल तक की, उसके बाद वो देखिए गुजरात के सीएम बने, तो उनका भी, क्योंकि उनका भी लकी नंबर 8 हुआ, और डेस्टिनी नंबर अलग होता है, लेकिन लकी नंबर हमेशा 8, जिसका सैटर्न से जो भी गवर्न होता है, वो लोग का फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ हमेशा थोड़ा डिफिकल्टी में ही जाता है, या उतार चढ़ाव वाली लाइफ होती है बहुत ज़्यादा। दे जनरली सेटल आफ्टर 42, 36 के बाद उनकी लाइफ में थोड़ी रिलीफ मिलती है, 42 के बाद उनका सेटलमेंट आता है, 48 के बाद ज़बरदस्त उन्नति भी होती है। सैटर्न गवर्न्ड लोग लेटर हाफ ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छी लेविश लीड करते हैं, ये एक परम सत्य है, इसको नोट डाउन करिएगा। दिस इज़ माय एक्स्ट्रा टैलेंट, आई नो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग, बट मैं हमेशा अपना काम पे फोकस रखता हूँ, दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट ओनली टेक्निकल्स, स्टॉक मार्केट। तो ये ज्ञान मैं आपको देना चाहता था। दूसरा, आज का दिन बहुत शुभ भी है, आज हमारे बिल्डिंग में भी आज गणपति जी का आगमन है रात को 8 बजे से। पिछले साल तो हमने बहुत धूमधड़के से आगमन किया था, तब हमारा ड्रेस कोड रेड कलर का कुर्ता था, दिस टाइम इट इज़ येलो कलर, कुर्ता पहनो चाहे टी शर्ट पहनो, तो आज का वो है। तो बहुत आज मैं काफ़ी बिजी रहने वाला हूँ पूरे दिन। सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरी वन, ऑल माई क्लाइंट्स, ऑल माई फॉलोअर्स, ऑल माई वेल विशर्स, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मैं आपका क्रिटिक भी हूँ, बट आई एम ग्रेट सपोर्टर ऑफ यू ऑल्सो। एंड विश्वकर्मा पूजा के लिए सभी को हार्दिक बधाई। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।